पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में एमए तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों द्वारा एमए प्रथम वर्ष सेमेस्टर के विद्यार्थियों के स्वागत में मंगलवार को एक फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस फ्रेशर पार्टी में मिस्टर एंड मिस फ्रेशर भी चुने गए। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आलोक कुमार ने विद्यार्थियों को आशीर्वचन देते हुए कहा कि इस तरीके के आयोजनों से व्यक्तित्व का विकास होता है एवं टीम भावना भी विकसित होती है। मुझे बहुत हर्ष है कि हमारे विद्यार्थियों में असीम ऊर्जा एवं मेधा है और वह निश्चित तौर पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्पित भाव से अध्ययन कार्य करेंगे। कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त प्रोफेसर नंदिता सिंह, प्रोफेसर हुमा सब्जीपोस, प्रोफेसर अजय शुक्ला, प्रोफेसर सुनीता मुर्मू, प्रोफेसर गौर हरि बेहरा, प्रोफेसर शिखा सिंह, प्रोफेसर अवनीश राय, डॉक्टर पंकज सिंह, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर शुभम सिंह, डॉक्टर संजीव विश्वकर्मा सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर पंकज गुप्ता, अजीत वर्मा, प्रीति यादव, हर्षिता शुक्ला, अजीम एवं आमिर का विशेष योगदान रहा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कॉलेज की छात्राएं प्रोफेसर अजय शुक्ला व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर आलोक कुमार ने कहा, प्यार के एहसास से मैं उससे मिलने के बाद जैसे फूल खिलने के बाद उसकी आंखों की कशिश लिख रहा हूँ, खुशबू लिख रहा हूँ, उसके आंखें अब हकीकत से लगने लगी है। तो होती है, देखती है जब वो मुझे एक्वन, ये आंखें हर वक्त कि मैं किताब लिख रहा हूँ। कि मुझे बहुत खुशी है, हम लोग सीनियर्स हो गए हैं और हमें कुछ ज़्यादा ही थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो हमने फ्रेशर पार्टी दिया ताकि ये नए उसमें एंटर कर रहे हैं सेमेस्टर में तो थोड़ा एंजॉय कर पाएँ और मोमेंट को एंजॉय करें। और पढ़ाई तो चलती रहती है और आगे वो भी सीखते रहेंगे, हमारे जैसे एक दिन सीनियर बनेंगे, यही मेरा कहना है। बस मैं उन्हें विश करूँगी कि वो अपने लाइफ में अच्छा करें। मेरा नाम प्रीति यादव है और हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग फ्रेशर्स दे रहे हैं अपने जूनियर्स को, और बहुत ही थोड़ा मेहनत तो लगा लेकिन हम लोग बहुत खुश हैं और फ्रेशर दे रहे हैं हमारे अपने डिपार्टमेंट के लिए। हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि सबसे अच्छा हो और क्या कहते हैं, कोशिश करेंगे हम लोग कि आखिरी तक बहुत अच्छा हो और आगे भी बच्चे मतलब सीखें कि मतलब हाँ ऐसे सीनियर्स हमारे दिए थे, आगे वो भी अपने जूनियर्स को ऐसा दें और ऐसे ही अच्छे से मतलब अपने डिपार्टमेंट का शान बढ़ा रहे। जी, दरअसल मकसद ये था कि कोरोना की वजह से 2020 जो है उसमें जो बच्चे नए फ्रेशर्स आए थे उनका अच्छे से वेलकम नहीं हो पाया था। अब क्योंकि थोड़े हालात कंट्रोल में हैं और वैक्सीन भी आ चुकी है तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ये एक पार्टी देके इन बच्चों को एक न्यू फेसेस को वेलकम किया जाए और उन्हें सबसे अवगत कराया जाए, सारे सीनियर्स और जूनियर्स एक दूसरे में घुल मिल पाएँ और प्रोफेसर्स भी इन सब चीज़ों से एंटरटेन हो पाएँ। इसके लिए हमने ये फ्रेशर्स का आयोजन किया एंड इसके लिए हमने अपने प्रोफेसर्स का काफ़ी हेल्प लिया है, उन्होंने हमें काफ़ी एनकरेज किया है एंड बिकॉज ऑफ देम उनकी वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। एंड हम बहुत थैंकफुल हैं कि बच्चों ने भी काफ़ी कोऑपरेटिव वर्क किया एंड हमारे प्रोफेसर ने हमें काफ़ी एनकरेज किया, थैंक यू सो मच। अंग्रेजी विभाग में एक फ्रेशर पार्टी आयोजित हुई है, ये जो हमारे एमए थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों को वेलकम करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया है और ये एक बहुत अच्छी परंपरा है क्योंकि इससे एक एक्सपोजर होता है, इंटरेक्शन होता है और टीम स्पिरिट विकसित होती है। अभी जिस तरीके के परफॉर्मेंसेज यहाँ पर हो रहे हैं, बच्चों ने कविता का पाठ किया, बच्चों ने अभी शिव तांडव स्तुति किया कुछ डांस के माध्यम से, जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी मेधा दिखाई है उससे एकदम ये स्पष्ट होता है कि हमारे बच्चों में अपार क्षमता है, अगर उनको मौका दिया जाएगा तो बहुत ही बेहतर परफॉर्म करेंगे और ऐसा यहाँ पर चल भी रहा है। और हम लोगों ने कुछ लिटरेरी एक्टिविटी का भी इसमें जो प्रोग्राम था बच्चों ने इसमें रखा है और हमारे जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के इसमें आए हुए हैं उनके लिए मेरा आशीर्वाद के रूप में यही चीज़ है कि आप लगातार लगन के साथ समर्पण के साथ मेहनत करते रहें और
लक्ष्य के ऊपर अपना निशाना लगाएं, जो भी आपका टारगेट है आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। फ्रेशर पार्टी वो पार्टी होती है जिसमें कि हमारे यहाँ की परंपरा के हिसाब से, विभागीय परंपरा जो रही है, उसमें जो सीनियर बैच के लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो अपने से जूनियर्स को बैच में शुरुआत कराने के लिए, इंडक्ट कराने के लिए, इनिशिएट कराने के लिए, उन्हें शामिल करने के लिए अपने में, और पुरानी परंपरा रही है रैगिंग वगैरह की, लेकिन वो चूँकि अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और वो नहीं होती हैं, तो ये एक तरीका है कि जो हमसे बाद में आए हैं उनको यहाँ के परंपराओं में शामिल किया जाए, और किस तरीके से यहाँ का जो विभागीय वो है, टीचर्स का सम्मान हुआ और पढ़ने पढ़ाने की जो परंपरा है, परिपाटी है, उसको वो आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। क्या कहेंगे सर बच्चों से, जो भी बच्चे, विदाई भी होता है इसमें और नए बच्चे भी आते हैं, बस इनसे यही कह सकता हूँ कि इन तमाम दुश्वारियों के बाद भी जिस तरीके से इन लोगों ने विभाग का साथ दिया है, विभागीय शिक्षकों के साथ मिलके, और इन लोगों ने जिस तरह से पढ़ाई और पढ़ने पढ़ाने को आगे बढ़ाया है, पठन पाठन को आगे बढ़ाया है, बस यही आगे भी करते रहें, और जो भी हमसे मूल्यों को सीख सकते हैं, जो विभाग के जो मूल्य हैं, विभागीय मूल्य जो हम लोगों ने बनाए हैं बड़ी मुश्किल से इतने दिनों में, उसको ये लोग किस तरीके से बाहर जब यहाँ से जाएंगे तो कैसे आगे लेके बढ़ेंगे, और क्या यह है, यह हमारा आशीर्वाद है।